यौन शोषण मामले में फंसे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू ने भोपाल में राजनीतिक पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और मेरे बचाव में कोई नहीं है। हालांकि पूरे मामले में आसाराम किसी पार्टी दल का नाम लेने से बचे। नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ। मैंने जो सुना तो वो मैं बता रहा हूँ, जो आप पीछे लग रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरे लोग आपके बचाव में रहे? नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है। गलत बात है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है, आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकीरी में आ जाऊँ। गौरतलब है कि जोधपुर आश्रम की 16 साल की लड़की ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को 30 अगस्त तक पेशी का समन भेजा है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।